रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक को लेकर यह खबर है। थोड़ी देर में कांग्रेस मुख्यालय में बैठक शुरू होने वाली है। बैठक के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बैठक में हरियाणा के टिकटों पर मंथन होगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, कांग्रेस की बैठक को लेकर यह खबर है। बैठक के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बैठक में हरियाणा की टिकटों को लेकर मंथन होगा। दिल्ली से बड़ी खबर है, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में कांग्रेस मुख्यालय में बैठक शुरू होगी। बैठक के लिए नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। दिल्ली से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक थोड़ी देर में कांग्रेस मुख्यालय में शुरू होने वाली है। बैठक के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। नेताओं का पहुंचना बैठक में जारी है। थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है, कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक होगी। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। संवाददाता कनिका कटियार दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। कनिका, क्या कुछ अपडेट है कांग्रेस की इस बैठक को लेकर? देखिए बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक जो है वो अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। तमाम जो टीईसी के मेंबर हैं वो इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के पहुंचने का इंतजार हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो हरियाणा के जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया वो पहुंच गए हैं। सीएलपी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पहुंच गए। इसके अलावा उदय भान जो कि प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा के, वो इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। आज केंद्र चुनाव समिति की बैठक में लगभग जो है 41 सीटें जो बची हुई हैं जिन पे मंथन नहीं हुआ था, आज उन तमाम सीटों पे जो है कांग्रेस केंद्र चुनाव समिति की बैठक में मंथन होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने की लगातार जो खबरें चल रही हैं उन खबरों में आज कहीं ना कहीं सीईसी की बैठक में ही तय होगा कि क्या बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतारेगी या नहीं। उन तमाम पहलुओं पे जो है आज सीईसी की बैठक में चर्चा होगी। कल जो सीईसी की बैठक हुई थी उसमें 49 सीटों पे डिस्कशन हुआ था जिसमें 34 सीटें क्लियर कर दी गई थी और उसके अलावा जो बची हुई सीटें हैं 41 सीटें जो है आज केंद्र चुनाव समिति की बैठक में लाई गई है जिसपे चर्चा होगी। अब से कुछ देर बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बल्कि पहुंचने वाले हैं और बल्कि मैं आपको दिखाना चाहूंगी तस्वीरें कि किस तरह से कांग्रेस मुख्यालय में जो है हलचल बनी हुई है। राहुल गांधी जो है लगभग पहुंच चुके हैं कांग्रेस मुख्यालय। इसके अलावा अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कल राहुल गांधी ने गठबंधन का जिक्र किया था उस फैसले पे भी जो है आज केंद्र चुनाव समिति की बैठक में जो है राय ली जाएगी, फैसला किया जाएगा। हालांकि राहुल गांधी ने कल कहा था कि जो भी प्रदेश के नेताओं की राय होगी उस राय को स्वीकार किया जाएगा, उस पे मंथन किया जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला होगा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा। तो हमारे सूत्रों का कहना है कि जाहिर तौर पे आज सीईसी की बैठक में टिकटों के अलावा इस बात पे भी कहीं ना कहीं चर्चा संभव है कि क्या कांग्रेस पार्टी जो है आम आदमी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में हरियाणा में गठबंधन करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि प्रदेश के नेताओं की यही राय है कि कांग्रेस पार्टी की जमीनी तौर पर स्थिति काफी मजबूत है, गठबंधन की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने कल इस बात का जिक्र किया जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आज संभवतः इस बात को लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन सीईसी की बैठक के लिए मैं आपको जानकारी दे दूं, राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचने वाले हैं, इसके अलावा संगठन महासचिव के सुमन गोपाल पहुंच गए हैं और तमाम जो प्रदेश के नेता होते हैं वो और जो सीईसी के मेंबर होते हैं वो तमाम नेता जो है वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं। अब से लगभग 10 से 15 मिनट बाद जो है सीईसी की बैठक शुरू हो जाएगी और 41 सीटें जो बची हुई है उन पे चर्चा होगी। और महत्वपूर्ण जानकारी ये कि जिस तरह से कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला चुनाव लड़ने को लेकर लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, आज इस फैसले पे भी कहीं ना कहीं सीईसी में बात होगी, चर्चा होगी और फैसला किया जाएगा कि क्या कांग्रेस पार्टी लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा को विधानसभा का चुनाव लड़वाएगी और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को टिकट देगी या नहीं। कनिका, आपने जो बातें कही हमें लगता है कि ये चर्चा और गठबंधन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि टिकटों पर अगर मंथन हो रहा है और अगर गठबंधन की अटकलें चल रही हैं तो फिर उसी हिसाब से टिकटों को लेकर भी कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा, क्योंकि सीट शेयरिंग पर भी बातचीत होगी, फॉर्मूला क्या रहता है ये भी देखना होगा।
तो क्या ये माना जाए कि इस बैठक के बाद गठबंधन टिकटों पर तो मंथन हो ही रहा है, क्योंकि गठबंधन की अटकलें भी हैं, तो क्या गठबंधन को लेकर भी कुछ बड़ी खबर निकल कर आ सकती है? देखिए, जो बची हुई 41 सीटें हैं उसमें आज कहीं ना कहीं सीटों की बैठक में चर्चा होगी, और जिस तरह से चाहे हम हुड्डा कैंप की बात करें, कुमारी सैलजा कैंप की बात करें, और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी, क्योंकि कहा जा रहा था कि कुमारी सैलजा की ओर से लगभग 20 से 30 सीटों की डिमांड जो है वो की गई है। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला ने भी अपने लोगों को टिकट देने का जो है प्रस्ताव रखा है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम पहलुओं पर जो है बैठक में चर्चा होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर दे दूंगा आपको, राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है वो सीईटी की बैठक में जो है पहुंच चुके हैं। लगभग आज जो बची हुई 41 सीटें हैं उस पर चर्चा होगी, और संभवतः ये है कि आज लास्ट सीईटी होगी, इसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है टुकड़ों में जो है लिस्ट जारी कर सकती है। आज लिस्ट जारी नहीं होगी, कल या कल के बाद कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका कनिका कटारिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। हमारी संवाददाता कनिका कटारिया को आप दिल्ली से सुन रहे थे, उन्होंने बताया इस बैठक में टिक